देश भर में पिछले एक महीने से प्रवासी और श्रमिकों की घर वापसी को लेकर घमासान जारी है। जहां सत्ता पक्ष बार बार अपने ही फैसले को पलट रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर दोगली राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। लेकिन इस उठापटक में पिस रही है तो वो है आम जनता। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके जब घर पहुंचने की आस जगी तो प्रवासियों ने अपना ठिकाना छोड़ा और फिर वो रवाना भी हुए, लेकिन फिर उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया और ऐसी तस्वीरें देश के कई हिस्सों से सामने आ रही हैं। बात करें राजस्थान की तो यहाँ प्रवासियों का दर्द समझते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर नैतिक धर्म याद करने के लिए कहा है। बेनीवाल ने कहा कि अशोक गहलोत जी राजस्थान के अलावा उन्हें अन्य राज्यों की सीमाओं पर कई प्रदेशों के लोगों को प्रशासन ने रोक लिया, जबकि उनके पास आपकी सरकार के जारी किए हुए पास थे जो पूर्ण रूप से अनुचित हैं। आप संबंधित राज्यों की सरकारों से बात करें और आने की अनुमति दें। बीच राह में वो लोग कहां जाएंगे? हालांकि बाद में सीएम गहलोत ने स्पष्ट किया कि राजस्थान की दूसरे राज्यों के साथ सीमाओं पर प्रवासियों के प्रवेश को रोका नहीं गया है, बल्कि अंतरराज्यीय आवागमन को सुगम बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जिन लोगों को ई पास जारी हो चुके हैं उनके राजस्थान में प्रवेश पर कोई रोक नहीं है। गहलोत ने कहा कि ज्ञातव्य है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण के लागू होने के समय राजस्थान के 10 जिले ग्रीन जोन में थे, जो संक्रमण बढ़ने से घटकर 2 रह गए हैं। इस कारण श्रमिकों और अन्य प्रवासियों के आवागमन की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाया गया है। खैर, सरकार अब चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सरकार के स्पष्ट निर्देश ना होने के कारण जनता को गफलत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की जेब में पास होने के बावजूद उन्हें अपने ही राज्य में प्रवेश करने से रोका जा रहा है, और अब हालात ऐसे हो चले हैं कि वो ना तो अपने पहले के ठिकाने पर है और ना ही अपनी मंजिल पर।